फाइनली आज मैं एक ऐसी चीज़ लेने जा रहा हूँ जो मैंने आज तक लाइफ में यूज़ नहीं की। तो क्या है वो चीज़, तो जानने के लिए लास्ट तक ब्लॉग में बने रहे। न्यू ब्लॉग। तो आज धूप आ चुकी है आखिरकार, और बहुत ज़्यादा बारिश हुई बीच में, और बहुत ज़्यादा बर्फबारी भी हुई, तो जिससे पहाड़ों का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया दोस्तों। तो लेकिन एट फाइनली धूप आ चुकी है, तो आज मैं नया ब्लॉग लेके आया हूँ आपके सामने। तो क्या होता है इस ब्लॉग में, चलिए दिखाते हैं आपको। ये देख सकते हैं ये लोग खेलने में हैं, और काफ़ी दिनों से इन्होंने नहाया नहीं है, तो आज तो पहला काम है हमारा कि इनको हम नहलाएंगे। काफ़ी गंदे हो चुके हैं, ये देख सकते हैं आप, जैसे कि गंदे हो चुके हैं। तो आज उन्होंने है नहाना, आज इनका नहाना डे है, इनका नहाना डे है आज। आज इनको नहलाना है दोस्तों मैंने, क्योंकि मौसम देख सकते हैं आप काफ़ी अच्छा, और क्या बेहतरीन आज नज़ारा है आप देख सकते हैं। कुछ हाल जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, ओस गिर रही है काफ़ी, ओस या पाला कह सकते हैं, और देखें ग्रोवर क्या कर रहा है। फाइनली आज इनका नहाने का दिन है, और धूप भी आ चुकी है, मौसम अच्छा है, तो नहलाते हैं इनको और दिखाते हैं आपको आगे क्या हो रहा है। ये देखो नहलाने के, इसको पता चल गया कि मैं इसको नहलाने वाला हूँ, तो बिल्कुल सर नीचे रख के छुप गया दोस्तों। लेकिन आज इसको कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि इसकी बारी आज, इसको नहाना ही पड़ेगा ठंडे ठंडे पानी से। ये देखिए दोस्तों, नहाना चाहिए ठंडे ठंडे पानी से, नहाना चाहिए। फाइनली अभी इसको भी हैंडशेक करना है, ये देख सकते हैं, हैंडशेक करो अच्छे से करो, गुड। तो इसको भी हैंडशेक करना है दोस्तों, तो आज never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way, to win it life, I never miss, that's fact, taking big swings, dish hand me the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mat like, ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? फाइनली दोस्तों इन्हों में नहला चुका हूँ, तो अगर आपके पास भी पैड्स हैं तो नहलाने के बाद आपने सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, इनको कम्प्लीटली अच्छे से सुखाना है, ठीक है। तो आप ऐसी जगह पे बांध सकते हैं इनको जहाँ पे धूप आती हो, उससे क्या होगा दोस्तों, अब एक तो टिक्स होने के कम चांसेस रहेंगे, प्लस बदबू नहीं आएगी। तो इनको आप क्या करो, कम्प्लीटली क्या कर सकते हो आप, नहलाने के बाद इनको अच्छे से छत में या कहीं पे ऐसी जगह जहाँ पे अच्छी खासी धूप आती हो, तो वहाँ पे आप इनको बांध सकते हैं, ठीक है। और आफ्टर दैट अगर ये सूख जाते हैं, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, फिर इसमें एक टिक्स पाउडर आता है फॉर सेफ्टी, आप वो डाल सकते हो। अभी मैं दिखाऊंगा आपको कैसे डालते हैं और क्या टिक्स पाउडर हम यूज कर सकते हैं। मैं इनको नहला के ऊपर छत में बांध दिया है, और जिससे आप देख सकते हैं डायरेक्ट सनलाइट इन पर पड़ेगी और ये जल्दी से सूख जाएंगे। और दोस्तों एक और बात, नहलाने जब आप नहलाते हो तो जो साबुन है या शैम्पू है उसको कम्प्लीटली आप रिमूव करते हैं बॉडी से, क्योंकि अगर वो शैम्पू कहीं ना कहीं अगर रह जाए, झाग रह जाए, तो उससे क्या होती है, डॉग्स को स्किन एलर्जी हो सकती है। तो इसको भी आपने क्या करना है, अवॉइड करना है दोस्तों। तो इनको आप देते हैं सूखने, और आगे क्या होता है दिखाते हैं। छोटी सी फैमिली मेम्बर ही कह सकते हो आप, ये हमेशा हमारे वहाँ घर बनाती है, तो इस बार ये जो घर बना रही है दोस्तों, वो घर बना रही है बता, यहाँ इसके अंदर से छोटा सा एक जगह है, उसमें घर बना रही है। हालांकि मैंने ऊपर छत में इनके लिए छोटे से मतलब लकड़ी के जो घर हैं वो रखे हुए हैं, बट वहाँ ये बिल्कुल बनाते ही नहीं है। ये या तो बनाएंगे दोस्तों खिड़की के वहाँ पर बनाएंगे, वहाँ बनाएंगे, या यहाँ बनाएंगे, पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं, जबकि इनके लिए ऑलरेडी घर बनाया हुआ है।
फिर भी उसमें नहीं रहते, ये सोचते हैं कि हम तो अपना आज ट्राई। फाइनली आफ्टर 10 days, 10 दिनों के बाद हम जा रहे हैं आउटिंग पे। तो आउटिंग में जाने से पहले हमारी गाड़ी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो उसको सही कराएंगे, और सही कराएंगे तो फिर वहाँ से हम जाएंगे। कहाँ जा रहे हैं दिखाते हैं आपको, बने रहे ब्लॉग में। तो फाइनली ये हमारे घर की रोड है, मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। तो अगर आप ऐसी रोड में गाड़ी चलाते हो तो ऑब्वियस है कि ऑलमोस्ट हर दिन, हर दूसरे दिन जब भी आप गाड़ी निकालोगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आनी है दोस्तों, क्योंकि चैम्बर नीचे से लगते रहता है। इतना मार्जिन कहीं है ही नहीं कि नीचे गाड़ी ना लगे, और मेरी गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी बहुत कम है। तो देखते हैं क्या भैया बताते हैं, और क्या ये सही हो पा रही है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको कैसे वो सही करते हैं, दिखाते हैं आप। हम पहुंच चुके हैं फ्रेंड्स ऑटो केयर, जो कि है देवल चौड़ पे, और ये जस्ट अमोर जो होटल है उसके सामने पड़ता है, छोटी सी गली है, तो वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। और अब यहाँ दिखाने वाले हैं हम अपनी गाड़ी, और फाइनली हमारा नंबर आ गया है दोस्तों, और गाड़ी लगा दी है हमने जुनैद भाई के पास। जुनैद भाई वन ऑफ द बेस्ट मैकेनिक इन हल्द्वानी है, और तो वो देख रहे हैं गाड़ी में क्या प्रॉब्लम हो रही है, और दिखाते हैं कुछ आपको। भी फाइनली गाड़ी का काम चल रहा है अभी भी दोस्तों, काफ़ी लेट हो चुका है और हम यहीं पे हैं अभी। अब देखते हैं कितनी जल्दी काम होता है और कितनी जल्दी हम आगे जाते हैं। आज 2 से 3 घंटे लगभग लगभग यहीं हो गए। अब तो फ्रस्ट्रेशन हो रही है बिल्कुल, और खा कुछ खाया भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही है, और वाइफ भी साथ है, बेबी भी साथ है, तो देखिए अब क्या होता है, लेट्स सी। बेबी के लिए आउटिंग प्लान करनी पड़ती है, ऊपर तो ठंडा हो रहा होगा, तो 5 o'clock के बाद आई डोंट प्रिफर गोइंग आउट। ओके, तो फाइनली दोस्तों, फाइनली आफ्टर मतलब 3 घंटे हो गए हमें यहीं पे, फाइनली और 3 घंटे के बाद काम थोड़ा सा मतलब बहुत छोटा छोटा सा काम था, लेकिन बहुत क्रिटिकल काम था, तो इसलिए उसमें टाइम लग गया। तो 3 घंटे के बाद बिना मतलब वहीं पे मैं खड़ा था, वेट कर रहा था कब सही होगी, कब सही होगी, और हम 3 घंटे भी वेट कर रहे थे, हम भी कर रहे थे। और 3 घंटे बाद आया नंबर दोस्तों, और गाड़ी हो गई है सही। अब हम निकल चुके हैं अगली डेस्टिनेशन की तरफ, दिखाते हैं आप, चलिए जा रहे हैं बर्गर किंग। तो बहुत ज्यादा भूख लगी है, तो अब सीधे चलते हैं बर्गर किंग। तो फाइनली पहुंच चुके बर्गर किंग, और हम यहाँ वेट कर रहे हैं, हमने ऑर्डर दे दिया है, और हमारा ऑर्डर नंबर है 122। तो देखिए कब ऑर्डर आता है, वहाँ जाना पड़ेगा हमें ऑर्डर लेने के लिए, सेल्फ सर्विस है। बर्गर किंग से सामान और बेबी को अभी हम अपने साथ ले गए, क्योंकि ऊपर हम जा नहीं पाए, क्योंकि अब बहुत टाइम 4 बज गया है और काफ़ी लेट हो गया, और ठंड भी ऊपर बढ़ गई होगी, तो इसलिए हम अपने लिए सामान लेके आ गए हैं, और हम गाड़ी के पास आ गए तो गाड़ी में बैठेंगे और वहीं खाएंगे। तो बर्गर किंग भी बहुत बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है दोस्तों, तो आप भी आ सकते हैं और अच्छे खासे बजट में अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ पर खा सकते हैं। तो लेट्स सी, दिखाते हैं क्या लाए हम बर्गर किंग से। लेके हम आए हम आए हैं हम लेके आए हैं एक वेज वूपर मील, और उसके बाद एक किंग एग, वो भी मील लेके आए हैं। और तो अब हम वो एंजॉय करने वाले और हैं। बोनलेस भी लाए चिकन। अच्छा आप लेके आए हो, अच्छा मैंने सुना नहीं था याला नोट ऑर्डर। तो गाइस मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि आपको बताया जो ऑर्डर देते हैं हमेशा मेरे बस का तो है नहीं ऑर्डर देना, मेरा काम है खा लेना जो भी ऑर्डर दिया हो मेरे पसंद का, और वो अगर ऑर्डर दिया जाता है तो मैं खा लेता हूँ, और ऑर्डर मेरे से दिया भी नहीं जाता, मैं चूज चूज भी नहीं कर पाता हूँ, तो ये कमी है मेरे अंदर। मोस्टली बहुत सारे बॉयज़ में होती है ये, अगर आप लोग भी अगर इस बात से सहमत हो तो कमेंट में अपना सहमति सहमति दिखा सकते हैं आप, दिखाइए। ठीक है, कि हाँ भाई हम भी ऑर्डर नहीं कर पाते, जो हमारे वाइफ होती है या फ्रेंड होते हैं तो वो ज़्यादातर ऑर्डर करते हैं। तो देखते हैं अब फाइनली हमारे पास है ये सामान, सो अभी अभी चाची तो का कॉल हम आया और उन्होंने करते बुलाया हमें हैं अपने लंच, घर, कह सकते हैं देखते आप हैं क्या इसको। होता है। फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं चाची के वहाँ। आज चाची ने हमें बुलाया स्पेशली स्पेशल मसाला चाय पीने के लिए, और साथ में बनाए पराठे। तो इन लजीज पराठों का क्या राज है, चाची से सुनते हैं, और वो क्या एडवाइस करेंगे, उनका भी एक यूट्यूब चैनल है तो उसके बारे में बताने वाली हैं। चाची बताइए अपने यूट्यूब चैनल के बारे में। हाय, मैं शर्मिला, मेरा शर्मिला डायरी करके चैनल है, तो वो जो मैंने पराठे बनाए उसको, उसके बारे में आपने जानना है कि ये लजीज पराठे कैसे बने, उसके लिए आपको मेरे चैनल में जा करके पनीर पराठे की रेसिपी को क्लिक करना पड़ेगा, और उसको फॉलो करेंगे आपको पता लग जाएगा। और साथ में चाची के चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ऐसे ही बेहतरीन बेहतरीन डिशेस बनाने के लिए। चाची हमेशा नई नई डिशेस बना के अपलोड करती है, तो आप एक से एक डिश बना सकते हैं, उसका आनंद उठा सकते हैं, जैसे कि हम उठा रहे हैं। तो चलिए हम इंजॉय करते हैं अब चाय। तो घड़ी आ चुकी है, मैंने बताया था जैसे कि आज मैं कुछ ऐसे स्पेशल चीज लेके आ रहा हूँ, क्या स्पेशल चीज है वो दिखाता हूँ आपको, ब्लॉग के लास्ट तक बने रहे। सामान मैं लेके आ चुका हूँ और मैंने रख दिया है पीछे, अभी दिखाऊंगा आपको क्या है वो चीज, और पहली बार मैं उसको यूज करने वाला हूँ दोस्तों, लाइफ में फर्स्ट टाइम, ठीक है, तो क्या वो चीज़ें बने रहे। मैंने आपको सुबह बताया था कि मैं यूज़ करता हूँ ये प्रोडक्ट टिक्स के लिए, डॉग्स के लिए, तो आप भी यूज़ कर सकते हैं। क्या करना है, नहलाने के बाद जब डॉग अच्छी तरह सूख जाए और उसे
7-8 घंटे बाद या 5-6 घंटे बाद आप क्या कर सकते हो, पाउडर डाल सकते हो। जैसे कि मैं डाल रहा हूँ, देख सकते हो कि मैं कैसे इन पर डाल रहा हूँ पाउडर। तो आप क्या करना है, आपने जैसे ये पकड़ना है तो ऐसे ही डालना है, अपने बाल ऐसे करवाने दोस्तों, ये बाल यूँ करवाने, ये तो क्या हो जाएगा टिक्स। इससे क्या होता है, एंटी टिक्स पाउडर है दोस्तों, टिक्स नहीं होंगे इसमें, ये देख सकते हैं। तो पूरे बॉडी में थोड़ा सा लगा दीजिए, लेकिन इसके लिए नहलाना जरूरी है, पहले नहलाइए उसके बाद आप टिक्स ये लगा सकते हैं। ग्रो इधर कम, चलो हट ना, आज कम ऑन, डॉग लवर होने का मतलब ये नहीं कि कुत्ते पाल लिए और उनको खाना खिला दिया। तो डॉग लवर्स होने का मतलब ये है कि हमें उनकी और भी बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है, इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा और टिक्स तो नहीं है और बाल हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। वक्त आ गया है कि वो क्या चीज़ मैं आज लेके आया हूँ और क्या मैं पहली बार यूज़ करने वाला हूँ, तो दोस्तों मैं बताऊँ और मैं दिखाऊँ अगर आपको, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, आप आँखें कर लीजिए बंद और अब खोलिए। तो मैं आज अपने लिए लेके आया हूँ स्पेक्स और ये कोई नॉर्मल स्पेक्स नहीं है दोस्तों। अब मेरी जो आईज हैं थोड़ी सी वीक हो गई, आई साइट्स, तो मुझे उस वजह से एक स्पेक्स बनाना पड़ा अपने लिए, ठीक है। ये सनग्लासेस नहीं है, तो ये मेरा ग्लास, मेरा स्पेक्स है दोस्तों। कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। साथ में ये मैंने यहीं पे अपने मित्र दीपक जोशी जी के वहां के पे बनाया है। इनकी शॉप है मंगलम ऑप्टिकल्स और ये आरटीओ ऑफिस जस्ट जो चौकी है, आरटीओ ऑफिस रोड पे चौकी जस्ट सामने पे पड़ती है मंगलम ऑप्टिक्स। तो यहाँ पे बेहतरीन क्वालिटी की लेंसेज प्लस फ्रेम, बहुत अच्छे अच्छे फ्रेम वहाँ पे मिल जाएंगे आपको। प्लस एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, ये जो ग्लास मैंने बनाया है इसमें जो लेंसेज लगे हैं, तो ये क्या है, एंटी जो जो रेडिएशन बेसिकली जो गैजेट्स वगैरह से, मोबाइल वगैरह से आता है, तो उसको क्या करता है, रोकता है, रेजिस्ट करता है। तो इसकी एक विशेष क्वालिटी है। तो अगर आप लोगों को भी कुछ स्टेप्स अभी स्पेक्स चाहिए, पावर विदाउट पावर भी अगर आपको चाहिए दोस्तों, तो आप वहां जाके बना सकते हैं, आजकल नॉर्मली बना सकते हैं क्योंकि गैजेट्स का यूज आजकल बहुत ज्यादा होने लग गया दोस्तों। तो कैसा लग रहा है ये मेरे कमेंट में बता सकते हैं। और फाइनली मैं ब्लॉग यहीं पे एंड करूंगा क्योंकि आज हम कहीं स्पेशल जगह जाने वाले थे लेकिन जा नहीं पाए। तो नेक्स्ट टाइम हम जरूर कहीं ना कहीं आपको अच्छी अच्छी चीज जगह लेके जाएंगे। तो आई होप अगर मेरा ये वीडियो अगर आपको जरूर पसंद आएगा, अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दें और मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब। थैंक यू। जय 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 देव भूमि, जय उत्तराखंड।